एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आरती शर्मा। फ्रेंड्स, गर्मियों के टाइम पर ना बाहर निकलना होता है। अच्छा, आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है, तो बाहर तो निकलना हो नहीं पा रहा होगा, लेकिन अगर आप किसी ना किसी काम से घर से घर की छत पे जा रहे हैं, बैल्कनी में जा रहे हैं, या फिर आपके घर में ही सन रेजेज आ रही हैं, तो क्या होगा, आपकी स्किन पे टैन हो सकता है, आपकी स्किन पैची हो सकती है और आपकी स्किन अनइवन भी हो सकती है। प्लस में ना कई लोग मैंने देखे हैं जिनकी स्किन पर ना रेडनेस सी आ जाती है, तो उससे अगर आप बचना चाहते हैं, क्योंकि क्या होगा अगर ये चीजें होंगी, तो या तो दो उपाय हैं, क्योंकि कोरोना टाइम है, लॉकडाउन टाइम निकल आ गया है, तो बाहर जाके कोई भी इससे रिलेटेड प्रोडक्ट ले नहीं पाओगे, घर में घरेलू उपचार करने पड़ेंगे, और ऑनलाइन अगर मंगवाना होगा तो 10 बार सोचना पड़ता है कि क्या मंगवाए क्या नहीं मंगवाए, क्योंकि रेडनेस है, अनइवन टोन हो गया, तो उसके लिए क्या करें, ठीक है। लेकिन अगर आप इससे बचने के लिए, इन सब चीजों से बचने के लिए पहले ही इसका उपाय कर लेते हैं, तो आपकी स्किन बच जाएगी, है कि नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मुझे वाओ के प्रोडक्ट्स वाकई में बहुत अच्छे लगते हैं, और मैं अपनी डेली लाइफ में भी प्रोडक्ट्स वाओ के ही प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ। वो 95% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का यूज करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। दूसरी, मेड इन इंडिया है, यानी इसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो मेड इन इंडिया है, किसी अदर कंट्री से नहीं बन के आते हैं, ठीक है। एंड तीसरी बात, अगर आप इनकी ऑथेंटिसिटी के बारे में जानना चाहते हैं ना, तो इनके हर प्रोडक्ट के पीछे QR कोड दिया होता है, जिसको स्कैन करके आप इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में भी जान सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो मुझे इसकी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब मैं आपको बताऊं कि ये देखिए, ये है वाओ का सनस्क्रीन, जो कि वाटर बेस्ड है। वैसे तो वाओ के क्रीम बेस्ड भी है, लोशन बेस्ड भी है। लोशन वाला सनस्क्रीन मैं आपको, अगर आप कहेंगे तो मैं उसके लिए भी अलग से वीडियो लेके आऊंगी, एंड मैं बताऊंगी कि वो उसकी क्या क्वालिटी है, क्योंकि मैं उसको यूज कर रही हूँ और मुझे भी काफी अच्छा लगा। ये मेरे हस्बैंड यूज कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो यस, ये है वाटर बेस्ड सनस्क्रीन, वाओ स्किन साइंस यूवी वाटर सनस्क्रीन, ट्रांसपेरेंट सनस्क्रीन स्प्रे है, ठीक है। इसमें किसी भी तरीके की कोई भी कलर का यूज नहीं किया गया है, एंड ऑल्सो ये पैराबीन फ्री है, सिलिकॉन फ्री है और मिनरल ऑयल फ्री है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें तो जो कि स्किन को आगे जाके बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, वो चीजें इसमें नहीं है। अब इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं वो है रेसबेरी एक्सट्रैक्ट, कैरेट सीड एक्सट्रैक्ट और एवोकाडो ऑयल एक्सट्रैक्ट। इसका यूज किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। देखिए, ये है इसका QR कोड, जिसको स्कैन करके आप इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में जान सकते हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो भी वाटर बेस होता है, लाइक फेस वॉश हो गया, या फिर ये सनस्क्रीन है या टोनर है, जब भी आप यूज करें ना, तो सबसे पहले उसको अच्छे से शेक कर लें। शेक करते हैं क्यों, क्योंकि अब जैसे वाटर में हम कोई चीज मिलाते हैं और उसको फिर हम रख देते हैं कहीं, तो क्या होता है उसकी जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना वो नीचे बैठ जाते हैं, बट फिर जब हम उनको शेक करते हैं तो जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सारे दोबारा से मिल जाते हैं और फिर यूज करने लायक हो जाते हैं। तो इसीलिए कोई भी वाटर बेस्ड अगर प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं ना, तो आपको हमेशा पहले उनको शेक कर लेना चाहिए, एंड देन उसके बाद अपनी स्किन पर, अपनी बॉडी पर स्प्रे करना चाहिए। तो ये है फेस स्प्रे, बॉडी स्प्रे, वो भी बॉडी का पार्ट आपका एक्सपोज वाला होता है, वहां पर आप इसको जस्ट स्प्रे कर ले। इसको स्प्रे करने के बाद क्या होता है ना, कई बार सनस्क्रीन को स्प्रे करने के बाद ना व्हाइटिश सा लगता है, वो भी नहीं लगेगा एंड थिक भी नहीं लगेगा, ओके। तो यस, और स्टिकी तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। मैं आपको इसका यूज करके दिखाती हूँ और इसके और भी क्या क्या बेनिफिट्स है वो भी आपको बताती हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सनस्क्रीन अप्लाई करने से पहले जो भी स्किन केयर रूटीन होता है, CTM, वो कर लें। मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लीन करने के बाद टोनर लगा लिया, एंड उसके बाद मैं अब क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ वाओ का कोकोनट फेस क्रीम, जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इसे यूज़ करते हुए मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, इसके बारे में मैंने आप लोगों से पहले ही शेयर किया था, ओके। तो इसका बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, थोड़ी देर का वेट करें, एंड फिर उसके बाद यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ वाओ का सनस्क्रीन स्प्रे
स्प्रे ओके इसको यूज़ करने से पहले एक बार शेक कर लें, जो भी वाटर बेस्ड सनस्क्रीन है या टोनर है पहले उन्हें शेक करें, फिर उसी उसके बाद ही अप्लाई करें। जो भी आपका एक्सपोज एरिया है वहाँ पर ज़रूर स्प्रे करें, लाइक हैंड है, फेस है, बैक वाले एरिए को भी ज़रूर स्प्रे करें वहाँ पर भी। अब इसके बाद आप बाहर निकलने के लिए रेडी हो चुके हैं, आपकी स्किन प्रोटेक्ट हो चुकी है और सन रेज का आपकी स्किन पर वो इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा जो कि पहले पड़ रहा था। तो यस, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी तक के लिए इतना ही, बाय।